चलते पूरे देश में कोई भी फिल्म फिलहाल सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो रही है और इन सबके बीच एक खबर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई है। साल 2020 में अमिताभ बच्चन की करीब 4 बड़ी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार थीं। इस साल बिग बी स्टारर 4 बड़ी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब इन फिल्मों की रिलीजिंग कुछ समय तक के लिए टल गई है। अब फिलहाल खबर अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो को लेकर आ रही है। गुलाबो सिताबो फिल्मकार सुजीत सरकार की फिल्म, जिसमें बिग बी और आयुष्मान खुराना लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फिल्म इस महीने 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी। हालांकि फिल्म के फ्यूचर को लेकर अब सुजीत सरकार का कहना है इसका फैसला 3 मई के बाद लिया जाएगा। सुजीत सरकार ने एक बेहद खास बातचीत में कहा, एक फिल्मकार के तौर पर मेरी इच्छा है कि मेरी फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो, लेकिन अभी के जो हालात हैं वैसा हमने कभी भी नहीं देखा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़िल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ, हालांकि किसी भी तरह का फ़ैसला 3 मई के बाद लेंगे। आपको बता दें, सुजीत सरकार की फ़िल्म गुलाबो सिताबो में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को लेकर फैंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है। इस फिल्म को लेकर फैंस बीते काफ़ी समय से एक्साइटेड हैं, मगर अब जिस तरीके से अमिताभ बच्चन की फिल्म 3 मई के बाद, यदि लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी और फैसला 3 मई के बाद ही लिया जाएगा। नेक्स्ट नाइट से मेघा की रिपोर्ट।